कोई भी यूनिवर्सिटी दोस्तों चलती है, उस यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ यूजीसी अगर हम बात करें या डीम टू बी यूनिवर्सिटी की बात करें, सभी कोर्सेज जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज होते हैं, या रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, रिसर्च जैसे कि पीएचडी, या फिर सभी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज सभी यूनिवर्सिटीज करवा पाती हैं। दोस्तों किसी भी देश, किसी भी सभ्यता या समाज में जब तक एजुकेशन का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का नहीं होगा, तब तक उस समाज की तरक्की नहीं होती, क्योंकि समाज का पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं चीजों के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम करते हैं वो एजुकेशनल संस्थान, मतलब जहां से आप एजुकेशन लेते हो, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, फिर चाहे वो कोई भी स्कूल हो या कॉलेजेस हो। इसीलिए बहुत ही अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी देश, किसी भी समाज में, ताकि वहां से आप बहुत अच्छी एजुकेशन ले सके। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। और दोस्तों अपने देश में जहां पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, वहीं दूसरी ओर ये वरदान भी है। अब बात आती है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहां से एडमिशन लें और कहां से ना लें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, साथ में ही डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के भी ऑप्शंस हैं। पिछली हमारी कई सारी वीडियोस में आपने जो कमेंट किए थे कि हम एक वीडियो बनाएं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी पर, कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई, कब से यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स क्या है, साथ में यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, और साथ ही इस यूनिवर्सिटी का स्टेटस हम यूजीसी पर किस तरह से चेक कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपने पूछे थे हमारी पिछली वीडियोस में जाकर, उन सभी सवालों के आज जवाब देने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। दोस्तों किसी भी सभ्यता के लिए अगर कुछ भी फ्री देना है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स चलती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देती हैं आपको डिस्काउंट जब आप एडमिशन लेते हैं, और ये भी बोला गया है, बहुत ही अच्छे विद्वान ने एक बात कही है, किसी भी सभ्यता में अगर उसको आगे बढ़ाना ही है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीनों फ्री होना चाहिए ताकि सभी को अच्छी तरह से इक्वालिटी मिल सके। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी आप इसको बोल सकते हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है ग्राफिक एरा, जिसकी हम बात करें तो फॉर्मर नेम जो पहले जिसका नाम था ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GEIT बोलते थे इसको, और जिसके अंदर की डीम टू बी यूनिवर्सिटी बाद में इसको बना दिया गया, उसके स्टेटस की भी अभी हम बात करेंगे। और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब है वो है RC जोशी, और जो इस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है वो है कमल घनशाला। साथ में ही बात बताएंगे वाइस चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी के और कौन है इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब। उससे पहले आप ये समझिए कि इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर आप चेक कैसे करेंगे, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट सिर्फ एक ही बॉडी करती है, और वो बॉडी है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाइप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाइप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी, और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटियों से,
यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें, विवेक से काम लें, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के हवाले से एडमिशन कभी भी ना लें। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, ये भी हो सकता है एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। जैसे और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी की साइट पर, वैसे ही ये यूनिवर्सिटीज भी लिस्टेड होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टाइजमेंट्स को देख के, बहुत बड़े कैंपस को देखकर आप ये अनुमान बिल्कुल ना लगाएं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी। आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कोई भी यूनिवर्सिटी दोस्तों चलती है, उस यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ यूजीसी अगर हम बात करें या डीम टू बी यूनिवर्सिटी की बात करें, सभी कोर्सेज, जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज होते हैं, या रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, रिसर्च जैसे कि पीएचडी, या फिर सभी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज सभी यूनिवर्सिटीज करवा पाती हैं। उसके लिए अलग से किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सके, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में, या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डीम टू बी यूनिवर्सिटीज कौन है? बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे पहले जो सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज चलते थे, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, बाद में वो सब यूनिवर्सिटीज बन गए, वो सब डीम टू बी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिए गए। और यूनिवर्सिटी जब अलग से कोई कोर्स कराना चाहती है, जैसे कोर्सेज कैसे होते हैं, जैसे पीसीआई से अप्रूवल लेना होता है फार्मेसी का, अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो बीसीआई का अप्रूवल होना जरूरी है, आरसीआई का, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेते हैं अगर स्पेशल बीएड करवानी है, और एनसीटी का अप्रूवल लेते हैं अगर बीएड करवानी है, साथ में एआईसीटी का अप्रूवल लिया जाता है डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक कराने के लिए। हालांकि यूनिवर्सिटीज को इस अप्रूवल की जरूरत होती नहीं है, कॉलेजेस को ही अप्रूवल होती है इस कोर्स की। साथ में नैक एक्रेडिटेशन की बात करें तो 5 साल के बाद नैक पूरी तरह से गुणवत्ता को चेक करने के बाद एक यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन होती है, और वह नैक एक्रेडिटेशन होता है। मतलब कि उसमें आपने देखा होगा बहुत बार यूनिवर्सिटीज पे लिखा होता है कि A++, A+ या फिर A कैटेगरी मिलती है या B++ मिलता है। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है इन सभी काउंसलिंग के ऊपर, नैक पर भी वीडियो बनाया है, नैक किस तरह काम करता है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। और भी यूनिवर्सिटी अप्रूवल लेती है, जैसे कि नैक का अप्रूवल आ गया तो उसके बाद डैब का अप्रूवल आता है, डिस्टेंस एजुकेशन का। यूजीसी के बिना तो यूनिवर्सिटी चल ही नहीं सकती, और AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जितने भी स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं हिंदुस्तान में, वो सभी इस अप्रूवल को चेक करते हैं। तो आपका जो डाउट है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज करवाती है और कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं इसमें रेगुलर, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उस पर बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे। और साथ में ही अगर आप कमेंट करेंगे और कमेंट आते हैं हमारे पास, तो हम पर्सनली इस यूनिवर्सिटी को विजिट बहुत जल्दी जरूर करेंगे, आपको बताएंगे कि दिल्ली से यूनिवर्सिटी आप कैसे पहुंच पाएंगे और यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है। प्रॉस्पेक्टस मंगाने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी से 2022 का और 2023 का, कौन कौन से नए कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास अभी आ रहे हैं या फिर कौन से नए अप्रूवल्स आए हैं, उस पर भी हम वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का जो हमने वीडियो आपके लिए बनाया ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के बारे में, या फिर कुछ यूं कहें ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको समझ आया होगा और आपने जाना होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं, या अगली वीडियो किस यूनिवर्सिटी, किस कोर्स या किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट जरूर करें। और कोई भी पर्सनली आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।